नमस्ते, मैं हूँ वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज। अभी हम हैदराबाद के सबसे ऊंचे और सबसे मशहूर खैरताबाद गणेश के पास मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया भर से हर जगह से लोग आते हैं। तो क्या है इस गणेश की विशेषता, चलिए देखते हैं स्टोरी। देश भर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में भी गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासकर हैदराबाद में गली गली में गणेश मंडप सजाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के सबसे बड़े आकर्षण होते हैं खैरताबाद गणेश, जिन्हें देखने के लिए आसपास के शहरों और गांवों से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं। वहीं यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो वर्ष 1954 में शंकरय्या जी ने सबसे पहले खैरताबाद गणेश की स्थापना की थी। तब से अब तक हर साल मूर्ति की ऊंचाई 1 फीट बढ़ाई जाती है। इस बार क्या है यहाँ की विशेषताएं, आइए जानते हैं। अभी हमारे साथ खैरताबाद गणेश के फाउंडर है वीना जी, तो आइए उनसे बात करते हैं। गणेश के बारे में हमें यहाँ की विशेषता बताइए खैरताबाद गणेश की। खैरताबाद गणेश 1954 ईयर में यहाँ पे 1 फीट से शुरू किया गया है। उसका फाउंडर था सिंगर शंकरय्या। उसके बाद 60 ईयर सेलिब्रेशन हो गया। उससे पहले उनके भाई सिंगर सुदर्शन जी उनके भाई उसके बाद कंटिन्यू कर रहे थे। 60 ईयर्स षष्ठी पूर्ति भी मनाए, इस साल 70 ईयर्स कंप्लीट हुआ। सुदर्शन जी मेरे डैडी है, 2 ईयर्स बैक एक्सपायर हो गए। अभी मेरा भाई राजकुमार संदीपन्ना हम लोग और कहते सब मिल के बड़ा गणेश को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये 70 ईयर सेलिब्रेशन अब जो मना रहे हैं पूरा 7 टीम से मिला हुआ है। 70 फीट 70 ईयर्स 7 हेड्स, 7th को फेस्टिवल 17th को निमज्जन, ऐसा थीम हर एक पूजा यहाँ पे मनाया जा रहा है। 70 होमगुंडा से होम भी मनाया गया, हर एक तरह के सेलिब्रेशन इस साल किया जा रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। अयोध्या की थीम पर स्थापित की गई 70 फीट की इस विशाल प्रतिमा को देखने के लिए सिर्फ छुट्टियों में ही नहीं आम दिनों में भी हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ आने वाले भक्तों का क्या है कहना, आइए जानते हैं। जी आपका नाम बताइए। अनिल कुमार तायल। कहाँ से आ रहे हैं? हम एक्चुअली अभी पुणे से आ रहे हैं। गणेश देखने आए? हाँ जी, गणेश देखने। हाँ, गणेश जी को देख, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है। इवन मैंने पुणे में भी इतने ऊँचे गणेश प्रतिनिधि देखे। वहाँ कहाँ घूमे आप हैदराबाद में गणेश देखने? आज पहली बार यहीं पर निकले हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? प्रियंका। कहाँ से आप? हैदराबाद से। कैसा लग रहा है गणेश देखने? अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ घूमे आप हैदराबाद? मैं तो लोकल हूँ तो मैं तो घूमती रहती हूँ। यहाँ की कुछ मान्यता स्पेशल कुछ है यहाँ पे आने की या फिर दर्शन के लिए? दर्शन के लिए। भक्तों के अलावा यहाँ ऐसे कलाकार भी आते हैं जो अपनी कला के माध्यम से अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का संदेश भी देते हैं। एक ऐसी ही कलाकार है लावण्या, जो यहाँ गणेश जी की लाइफ पेंटिंग करती नजर आती है। इनका कहना है कि ये गणेश जी का चित्र बनाकर आयोजकों को समर्पित करेंगी। मेरा नाम नामोज लावण्या। मैं यहाँ लाइव पेंटिंग कर रहा हूँ। मैं ऐसा ही पूरा ये दोनों तेलुगु राष्ट्रों से कितने कितने इम्पोर्टेंट मंदिर है उनके सामने जाके मैं पेंटिंग करता हूँ। लाइव पेंटिंग करके मैं टेम्पल को ही दे देता हूँ, प्रेजेंटेशन करता हूँ। मेरा एम इसके पीछे कारण ये है कि हमारा इंडियन का कल्चर एंड हेरिटेज को मैं पेंटिंग के रूप में रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। लाइव पेंटिंग क्यों चूज कर रही बोले तो लोगों पूरे लोगों पेंटिंग देखे तो हमारा कल्चर एंड हेरिटेज बहुत अच्छे तरह से रिप्रेजेंट होता है। इस तरह 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन विसर्जन के साथ होता है और भक्तगण ये कहकर विदा करते हैं, गणपति पप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आओ।